चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ आज दूसरे दिन भी जारी है। कल भी ये पूछताछ हुई थी और कांग्रेस मुख्यालय के आसपास धारा 144 लागू की गई है। पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। तो दूसरी तरफ ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। कल भी ये पूछताछ हुई थी और कल भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने प्रदर्शन किया था। आज भी ये प्रदर्शन जो है वो देखा गया। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए गिरफ्तारियां की। तमाम बड़े नेताओं को इसमें पकड़ा गया है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला से लेकर दूसरे जो नेता इस प्रदर्शन में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। तो कई कांग्रेसी कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए हैं, जिनमें रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हैं और भी कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के हिरासत में लिए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं परिस्थितियों को और व्यवस्थाओं को, कानून व्यवस्था को खासतौर पर दुरुस्त बनाए जा सकने में समस्या ना हो।